अलहमद ला सलाम रसूल नादरीन कराम शरीत इस्लामिया में सबसे बड़ी गाली अगर पूछा जाए क्या है तो उसका जवाब है लानत मतलब अल्लाह रब्ल की लानत रसूल की लानतम कराम की लानत सारी मखलूक़ की लानत लानत शरीयत इस्लामिया में सबसे बड़ी गाली है सबसे बड़ी बदवा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने दरबार से निकाल के रादाए दरगाह करे जलीलो ख्वार करे और अपनी रहमत से उसको महरूम कर दे आप जानते हैं शैतान फरिश्तों के साथ रहता था अल्लाह रबत का कुरब उसको हासिल था लेकिन जब उसने नाफ़रमानी की तो अल्लाह रबु लज्जत ने उसको रांदाए दरगाह कर दिया अपने दरबार से निकाल दिया वाह वाहबुल्ज़त ने उस पर लानत फरमाई मतलब हमेशा हमेश के लिए फिटकार उसके ऊपर वो बहुत पहले की बात है कुछ लोग ऐसे आज भी हमारे ज़माने में जो अल्लाह रबत की लानत के मुस्तक ठहरते हैं अल्लाह जत हमें आपको महफूज रखे हर मुसलमान को महफूज रखे कि कोई ऐसा अमल करे वो जिसकी वजह से उस पर अल्लाह अल्लाहुलजत की लानत हो हजरत इबनबास बयान करने वाले हजरत इमुखारी रमत ला लान रसूल अलमुत मीना बुखारी शरीफ में रसूल वसल्लम की यह हदीस क्या कह रही है हमसे यह कह रही है बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो औरतों की मुशाबहत करने की वजह से अल्लाह की लानत के मुस्तक हो जाते हैं और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अल्लाह इज़्ज़त की लानत की मुस्तक करार पाती हैं कौन सा ऐसा अमल करते हैं अगर कोई मर्द औरतों जैसा लिबास पहनता है उनकी तरह चाल ढाल इख्तियार करता है मुखन्नस बनने की कोशिश करता है ऐसे ही चलता है ऐसे ही बात करता है अपने चेहरे को मोहरे को लिबास को सब को औरतों की तरह बना कर रखता है ये आदमी मलरून है अल्लाह की लानत है इस आदमी पर ऐसे ही बात औरतें हैं अल्लाह ने उनको औरत बनाया हैसनो जमालो खूब फरमाई है लेकिन वो औरतें औरत बनने को पसंद नहीं करती वो मर्द बनना चाहती हैं, चाल ढाल मर्दों जैसी बोल चाल मर्दों जैसी लिबास तराश हराश मर्दों जैसा हर चीज में मर्दों की मुशाबियत करने की कोशिश करती है वह अल्लाह इज्जत के फैसले से राजी नहीं ये मर्द भी अल्लाह इज्जत के फैसले से राजी नहीं उसने इसको मर्द बनाया लेकिन ये मर्द नहीं औरत बनना चाहता है। इस औरत को अल्लाह इज़्ज़त ने औरत बनाया ये राजी नहीं है ये मर्द बनना चाहती है अल्लाह इज़्ज़त ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई आप क्या कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह की लानत में गिरफ्तार हैं अगर ऐसे लोग हैं या ऐसे लोगों की तादाद आपके घर में ज़्यादा है फिर ये शिकायत ना करें कि अल्लाह हबुलज़त की रहमतें हमसे रूठ गई हैं खैर बरकत नहीं है कारोबार में किसी तरह की तरक्की नहीं हो रही है दिन दिन परेशानियाँ और मुश्किल आ रही हैं अल्लाह की लानत के साथ रहमत का गुज़र कहाँ हो सकता है जहाँ अल्लाह की लानत है वहाँ उसकी रहमत नहीं और जहाँ उसकी रहमत है वहाँ अल्लाह की लानत नहीं तो बचाइए अपने आप को लानतों से और ढूंढिए अल्लाह की रहमतें रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें